तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हिकविजन के डीवीआर को ऑनलाइन कैसे हिकविजन के डीवीआर को हमने हिक कनेक्ट ऐप पर ऑनलाइन कैसे किया। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप आपका सेम डीवीआर को किसी और आपके भाई को, आपके दोस्त को, या आपके किसी फैमिली मेम्बर को, या किसी एम्प्लॉय को अगर ऐड करना चाहते हैं, उसके मोबाइल पर एक्सेस देना चाहते हैं आपके डीवीआर का, तो वो आप कैसे देंगे, और साथ ही साथ उसमें आप कुछ लिमिटेशन रखना चाहते हैं। जैसे मान लो आपके पास चार कैमराज है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये चार कैमराज है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन है और इसको मोबाइल पर भी हम देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको वही मोबाइल में वही व्यू दिख रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस मोबाइल पर तो आपको चारों भी कैमरा दिखेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपके किसी भाई या दोस्त को आप एक्सेस दें, लेकिन वो पूरे चार कैमरा नहीं देख पाए, वो सिर्फ दो कैमराज देख पाए, तो वो भी आप रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखने वाले। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में अगर आपके ऐप इंस्टॉल है तो आप उसमें लॉगिन कर ले, या आप ब्राउजर में आपका जो आईडी आपने क्रिएट किया है उस आईडी से आप लॉगिन कर ले। हिक कनेक्ट की वेबसाइट पर आप सबसे पहले लॉगिन कर ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के इन्फॉर्मेशन और कंटेंट से आपको हेल्प मिलती है, आपका काम आसान होता है, तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशंस कर सकते हो। डोनेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसी तरह के टेक्निकल हेल्प आर्टिकल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट technosearch.in को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर नए नए टेक्निकल आर्टिकल्स अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ब्राउजर से अगर आप करना चाहते हो कि आपके डिवाइस को शेयर, तो यहाँ पर आपको माय शेयर डिवाइस यहाँ पर ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी डिवाइस आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप शेयर डिवाइस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी ईमेल आईडी आपके भाई की, आपके दोस्त की, आपके करीब की जो भी ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और रिमार्क में आप लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रदर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डिवाइस है, मान लो यहाँ पे आपके 3 से 4 डिवाइस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइस आपको सेलेक्ट करना है, जैसे टेस्टिंग वाला डिवाइस हमको सेलेक्ट करना है तो टेस्टिंग वाला हमने सेलेक्ट किया। आप उसमें हमको सिर्फ पहला वाला जो कैमरा है वही दिखाना है, दूसरा कैमरा नहीं दिखाना है, तीसरा नहीं दिखाना है, चौथा कैमरा नहीं दिखाना है, सिर्फ एक नंबर का कैमरा हमको हमारे जो भाई है उसको दिखाना है। और ये उसकी ईमेल आईडी है, उसकी ईमेल आईडी पर कोड चला जाएगा, लिंक चला जाएगा, वो वहाँ से डाउनलोड करके उसे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल बता। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी का आपने यहाँ पे शेयरिंग का रिक्वेस्ट भेजा है, और उस ईमेल आईडी पर अगर आपको ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो आपको उसे रजिस्टर कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आया हो, वो है कि technosearch71@gmail.com की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आया है टेस्टिंग डिवाइस को एक्सेप्ट करने का। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और एक्सेप्ट करने के बाद आप मुझे यहाँ पर वो कैमराज जो है, मैं जब मोबाइल में लॉगिन करूँगा तो मुझे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे जो technosearch का आईडी ऑलरेडी लॉगिन है हिक कनेक्ट मोबाइल में, उसे मोर पर क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हो। नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद मैं वापस से जो नया ईमेल आईडी हमने रिक्वेस्ट भेजा है वो एक बार देख लेते हैं कि भाई वहाँ पर कितने कैमरे हमको यहाँ पर दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, जो ईमेल आईडी पर भेजा है रिक्वेस्ट। टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर ली, नोटिस भी एक्सेप्ट कर ली, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कैमरा यहाँ पर दिख रहा है, जो टेस्टिंग वाला जो डिवाइस है उसमें यहाँ पर एक ही कैमरा दिख रहा है। जब आप 4 कैमरा पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे बाकी के 4 कैमरा नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन के साथ जो है तो एक्सेस दिया है कि भाई बाकी के जो 4 कैमरा जो दूसरे उसमें दिख रहे थे DVR में, वो यहाँ पर नहीं, दूसरे लॉगिन में जो बाकी के 4 कैमरा दिख रहे थे वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो आप इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके स्टाफ वगैरह को अगर देना चाहते हो, लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हो आपके DVR का, हिकविजन DVR का, तो वो आप इस तरीके से दे सकते हो शेयरिंग वाले ऑप्शन में जाकर। अब आपने ये देख लिया यहाँ से कैसे करना है, अब आपको ऐप के थ्रू कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं वापस से एक बार यहाँ पर जो ऐप है इसे लॉग आउट कर देता हूँ, और हम हमारे technosearch वाले आईडी से लॉग इन करते हैं। और technosearch वाले आईडी से लॉगिन करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे चारों भी कैमरे दिख रहे हैं, मतलब नो वीडियो लिखकर दिख रहा है लेकिन चारों कैमरे दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा ब्लैंक आइकॉन नहीं आ रहा है, प्लस वाला आइकॉन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टेप बैक आना है, और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो टेस्टिंग डिवाइस के बाजू आपको एक शेयरिंग का बटन दिख रहा है, तो ये शेयरिंग के बटन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हिस्ट्री रेसिपिएंट, तो यहाँ पर ब्रदर के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप
तो यहाँ आपको मोर पर क्लिक करना है और मैनेज शेयरिंग सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए ऑलरेडी एक जो डिवाइस है वो शेयर्ड बता रहा है, तो यहाँ पे आप शेयर डिवाइस पर क्लिक करके वापस से आप शेयर कर सकते हो या आप यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह टाइप कर सकते हो, जैसे कि भाई आपको किसी दूसरे के साथ अगर आपको शेयर करना है तो आप यहाँ पर उसका ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर सकते हो, यहाँ पर आप ये ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो, यहाँ पर आप रिमार्क लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप स्टाफ लिख सकते हो और उसे ऐड कर सकते हो। अब ये जो स्टाफ है इसके साथ आपको जो डिवाइस शेयर करना है उसके लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिवाइस में जो कैमरा आपको सेलेक्ट करना है, मान लो आपको यहाँ पे 3 और 4 नंबर सेलेक्ट करना है तो आप सिर्फ 3 और 4 नंबर सेलेक्ट करें और उसे नेक्स्ट कर दे, तो फिर ये आपका जो शेयरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है दिस यूजर डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये 123@gmail.com ऐसा कोई ईमेल आईडी नहीं होगा, मैंने आपको टेस्टिंग के लिए बताया थी। तो इस तरीके से आप यहाँ से शेयरिंग कर सकते हो और अगर ऑलरेडी आपने शेयर किया हुआ है अगर आपको वो डिलीट करना है तो वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ आप ऑल परमिशंस पर क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो जब आप डिलीट कर देते हो तो आपका यहाँ पर कोई भी डिवाइस यहाँ पर आपको नहीं बताएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर जो है तो डिवाइस मैनेजर में कोई भी डिवाइस नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से आप आपके हिकविजन DVR का जो रिमोट व्यू है वो शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्टाफ के साथ और आपके फ्रेंड के साथ, लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो और उसे जब ज़रूरत पड़ती है आपको तो डिलीट भी कर सकते हो बहुत ही। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको इस तरह के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई वो आपके ज़रूर काम आए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए हमारा सपोर्ट चाहते हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते, हमारी टेक्निकल रिस्पॉन्स टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।